बोलो या घुमुतु बोलो, हम लोग बाहर जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग सिटी में कैसे घुसे आपको पता है? मैं हर माँ को कहने वाली हूँ और हर एक जो छोटी बच्चियां वो भी आगे जाके बहन माँ बेटी बनेगी, तो मैं उन माओ को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आज ये प्रोग्राम चलाते हैं कन्या भ्रूण हत्या, ये वो और वो, ये कमाई के सपने है लोगों के, प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ दो लोगों को समझना है, माता और पिता। माता और पिता डिसाइड कर ले कि अपना बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका वेलकम है और उसको अपने घर में रखना है। एक गॉड गिफ्ट होती है, भगवान एक इंसान को अपने घर पे भेजता है, तो अच्छी बात है। एक भारतीय अपने घर में आ रहा है तो आप क्यों उसको मारते हैं? क्यों पेट में उसको कत्ल कर देते हैं? मेरी माँ जमीन से खड्डे से निकाल के ला सकती है, तो क्या आप अपने बच्चे को जो आपके पेट में उसको नहीं बचा सकते? तो मैं हर माओ को यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के ध्यान दे और बेटा हो चाहे बेटी हो उसका वेलकम करे। बेटी चाहे कितनी वो पढ़े लिखे, उनको पढ़ाओ, वो जो भी अपना काम करना चाहती है, जिस विषय में वो निकलना चाहती है, उसकी आप मदद करो और उसको आप अपने सपोर्ट करेंगे तो वही बेटी आपका अपने परिवार का और अपने माता पिता का नाम करेगी और अपने समाज का नाम करेगी और वो आगे जाके और एक भारतीय बेटी कहलाएगी। सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस रास्ते चलो आप चलते रहो और पीछे घूम के कभी मत देखो। पीछे घूम के देखोगे तो लोग आपको वाई पकड़ के बिठा देंगे। अगर मैं पीछे घूम के देख ली तो आज मुझे पद्मश्री नहीं मिलती, आज मेरे देश का नाम नहीं करती। कोरियोग्राफी सब कुछ इतना अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए मिला और इतने अच्छे लोगों से मिलने के लिए मिला मुझे। थैंक यू। बाबू जी ने जो हमारे बच्चों के लिए और हम सब के लिए एक लेसन दिया कि कैसे वो कहाँ से शुरुआत हुई और वो शुरुआत होके कहाँ अपने आप में एक इतिहास बनता जा रहा है। टैलेंट आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है, आपकी स्किल आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। जरूरत होती है अपनी स्किल को पहचान कर उसको आगे बढ़ाना और उसके प्रति डेडिकेटेड रहना। स्कूल की तरफ से गुलाबू जी आपका, पद्मश्री गुलाबू जी आपका और सुमित्रा जी आपका, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सारी दुनिया में अपना और अपने देश का और अपने नारित्व का सम्मान करवाते रहें और सम्मान पाते रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ।